हेलो गाइस, मैं हूं अमित और आज हमारे पास में एक और मजेदार धांसू धमाकेदार प्रोडक्ट जो कि है एक लेविटेटिंग ग्लोब। सिंपल भाषा में इसके अंदर एक ऐसा ग्लोब है जो कि हवा में फ्लोट करता है। अब मुझे भी नहीं पता कि कैसे फ्लोट करता है, वो तो उसको खोल के ही पता लगेगा कि क्या क्या इसके अंदर है, कैसे ये काम करता है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज लगी मुझे, मैंने अमेजोन से मंगवाया। तो फटाफट इसको खोलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग नीचे जो लाइक बटन है वो जल्दी से दबा दो। तो भाई अगर सबसे पहले इस बॉक्स की बात करें तो इसके ऊपर लिखा हुआ है, देखो, ग्लोब फ्लोटिंग इन मिड एयर, जैसा हमने बताया था, लेविटेटिंग ग्लोब। और नीचे लिखा हुआ है, ए गुड डेस्क डेकोरेटर, ए गुड प्रमोशन गिफ्ट, किसी को दे सकते हो एज ए गिफ्ट। यहाँ पर बना हुआ है, देखो, इसको देख के थोड़ा अंदाजा लग सकता है कि ऐसा कुछ होने वाला है इसके अंदर। बाकी चारों तरफ इन्होंने वही चीज़ें लिख रखी है। इधर इन्होंने चार ग्लोब बना रखे हैं, चार कलर के। अब मुझे नहीं पता कि इसमें कौन सा कलर हमको मिलने वाला है। तो फटाफट जो बॉक्स है उसको खोलते हैं। यहाँ पर भाई एक टेप लगी हुई है, इसको हटा देते हैं और अब ये जो है हमारे सामने आने के लिए रेडी है बिल्कुल। सबसे पहले यहाँ पर हमको मिलता है एक मैनुअल, और भाई इस मैनुअल के ऊपर लिखी हुई कई चीज़ें, जैसे कि इसको एक लेवल सरफेस पे रखना है, इसको फ्लोट करवाने के लिए साथ में इसमें अडेप्टर कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ कुछ फोटोज़ वगैरह बनी हुई हैं, थैंक यू लिखा हुआ है इनके प्रोडक्ट को चूज़ करने के लिए। तो इसको साइड में करते हैं और बॉक्स पर आते हैं। सबसे पहले एक प्रोटेक्शन है, अंदर ये चीज़ है, पता नहीं क्या काम आती है। उसके अंदर है अडेप्टर जो कि एक चार्जर है, देखो मैं निकाल के दिखाता हूँ। ये चार्जर की तरह काम करेगा, इसको पावर देगा। और भाई ये है हमारा ग्लोब छोटा सा, और आप लोग देख सकते हो यार, इस पे यार काफ़ी डिटेलिंग दे रखी है। देखो इन्होंने एक ओरिजिनल टाइप का जो है कलर देने की कोशिश करी है, ब्लू ग्रीन, और इन्होंने बहुत कुछ इसमें, देखो इंडिया यहाँ पर है, बहुत कुछ इन्होंने दिखाया है इसमें। इंडिया दिख रहा है आपको? और यार ये मतलब एकदम पूरा स्मूथ सा है, अच्छा लग रहा है हाथ में लेके। तो इसको भी रखते हैं एक मिनट के लिए साइड में। और इसके अंदर है भाई ये इसका स्टैंड, बाकी इसमें प्रोटेक्टर है, कुछ नहीं है। तो इसको भी निकाल लेते हैं बाहर। और भाई हमारा ये जो ग्लोब है इसको सबसे पहले इसमें लगाते हैं और देखते हैं कि ये कैसे फ्लोट करता है। और यार इसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ मैग्नेटिक चीज़ है बिल्कुल। आप लोग देखो कि यार ये फ्लोट तो नहीं कर रहा, बट ये तो चिपक गया परमानेंट। इसमें इंस्ट्रक्शन के हिसाब से मेरे को कुछ इसको इस तरीके से लगाना है, और अब ये इस पे चिपक जाना चाहिए है, बट ये चिपक नहीं रहा। नहीं, ऐसे करके नॉर्थ पोल को ऊपर करना है, और यार ये नीचे गिर जा रहा है। तो एक काम करते हैं, इसका जो एडेप्टर है उसको भी कनेक्ट कर ही लेते हैं, हो सकता है कि ये बिजली से चलता हो। यहाँ पर है पावर, और ये जो है ये लगेगा भाई साहब यहाँ पर, देखो। और इसके अंदर एक LED जल गई, देखो, कलरफुल वाली, जो कि इसको एक बढ़िया लुक भी दे सकती है। तो अब मैं फिर से वही ट्राई करता हूँ, इसको यहाँ, यार ये तो चिपक गया। और ये जो छोटा सा टूल है इसको ऊपर लगा करके, और अब मुझे इसको बाहर निकाल लेना है। और भाई साहब जो ग्लोब है वो आपके सामने यहाँ पर फ्लोट कर रहा है, देखो। आर पार मैंने इसको निकाल लिया और ये बिल्कुल हवा में है। यार क्या बात है, ये मैग्नेटिक लेविटेशन है एक्चुअली में, मतलब मैग्नेट्स के दम पे ये काम कर रहा है। एंड ये सिर्फ तभी काम करता है जब ये बिजली में कनेक्टेड होता है। एक बार फिर से देखो करने के लिए, इसको सिर्फ इसको लगाने इससे थोड़ा गैप बन जाता है इसमें, और सिंपली इसको निकाल लेना, अपने आप ही निकल गया। और देखो भाई साहब कैसे लेविटेट करता है, हिलाते ही गिर जाता है, जैसा उसने बोला भी था शुरू में। यार मतलब इसको देख के लगता है कि ये कैसे हवा में रुक सकता है यार और ये घूम भी रहा है मेरे सामने अभी अफ्रीका है, थोड़ा जल्दी घुमाएं। देखो मतलब कितना स्टेबल है, इतना हिलाने के बाद में भी ये गिरता नहीं है। अब अति हो जाती है तो गिरता है। ओहो, नीचे तो कुछ मैग्नेटिक नहीं है शायद, नहीं। और आप लोग देख ही सकते हो कि ये जो है किस तरीके से फ्लोट कर रहा है। साथ में जो LED लाइट है वो भी यार मेरे को इसमें काफ़ी अच्छी लग रही है। आई डोंट नो आपको कैसे दिख रही होगी, क्योंकि अभी दिन का टाइम है। देखो अब LED यहाँ पर है और ये है लेविटेटिंग ग्लोब आपके सामने। अभी अफ्रीका है, और यार मतलब अपने आप में एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, पूरा साइंस के ऊपर बेस्ड चीज़ है। अब ये तो मुझे भी नहीं पता कि इसमें कहाँ मैग्नेट है या इलेक्ट्रोमैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट भी इसमें है क्योंकि ये बिना बिजली के भी काम करता है, बट हवा में है पूरा स्ट्रक्चर।
क्या बात है। और भाई मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं इसको बिना इस टूल के भी लगा सकता हूँ। शिट यार, यहाँ बीच में कहीं ना कहीं एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है, अब वो कितना ऊपर है यार, बट मैं लगा सकता हूँ इसको। और यहाँ पर देखो, बिना इस टूल के मैंने जो है लगा दिया है ग्लोब को। तो आप लोग देख सकते हैं यार, कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है, हवा में फ्लोट करता है, कोई कनेक्शन नहीं, कोई सपोर्ट नहीं नीचे से, सारा जो इसका वेट है वो मैग्नेटिक फोर्सेस झेल रही है। लेकिन देखने में मतलब हमारे लिए अजीब सी चीज़ है कि कुछ है ही नहीं, हवा में लटक रहा है। तो अगर आपको इस वीडियो में आया मज़ा तो लाइक ज़रूर से कर देना, एकदम डिफरेंट सी चीज़ थी। चैनल को सब्सक्राइब भाई सब्सक्राइब कर लो यार, मस्त मस्त अनबॉक्सिंग की वीडियोज़ आने वाली हैं, बिना लाइक किए मत जाना। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। इस ग्लोब के लिए एक लाइक बनता है।